डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.4 का टॉपिक लिमिट्स विद नॉन इंटीजर्स और नेगेटिव पावर्स का पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट टू से मुराद ये है कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर मैंने इसके जो स्टार्ट के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, और अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मीन्स ये मेरा सेकेंड लेक्चर वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप फर्स्ट लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूँ, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है। अब हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर में x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उससे अपने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने डिनोमिनेटर को देखूँ तो एक है मेरे पास -2 पावर और एक है -3। तो -2 और -3 में से मेरे पास हाईएस्ट पावर -2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने न्यूमिरेटर को भी -2 से डिवाइड कराना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी -2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी क्योंकि अभी मैंने लिमिट को पुट नहीं किया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर -1 डिवाइडेड बाय x की पावर -2, फिर प्लस एज इट इज़ x की पावर -4 डिवाइड बाय x की पावर -2। यानी पहले मैंने न्यूमिरेटर को x की पावर -2 से डिवाइड किया है, अब मैं डिनोमिनेटर को करवाने जा रही हूँ x की पावर -2 से डिवाइड। तो यहाँ पर हमने सिंपली लिख लिया x की पावर -3 डिवाइडेड बाय x की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन बन गई है। नेक्स्ट हम क्या स्टेप कर सकते हैं, सबसे पहले मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़ लिखूंगी। इसको हम तब तक एज इट इज़ लिखते रहते हैं जब तक हम लिमिट को पुट नहीं कर देते। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इस -1 को नीचे लेकर चले जाते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/x की पावर -2, और जब ये -1 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, फिर प्लस एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस -2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -4 एज इट इज़, और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा, x की पावर -2 x की पावर -2 को कैंसिल आउट कर देगी। यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 और फिर माइनस एक्स की पावर -3 है और ये है एक्स की पावर -2। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर -3 और इस -2 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बेसिकली, क्योंकि हमने पावर्स को ऊपर लेके चले गए क्योंकि हमारे पास बेसिस जो थी वो सेम थी, तो हम क्या करते हैं ऐसा ही करते हैं कि पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली ये स्टेप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़, ये मेरे पास होगा 1/x की पावर -2 +1 आता है -1। ठीक है, फिर प्लस x की पावर यहाँ पे आएगा -4 +2 का आंसर -2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 माइनस -3 +2 आएगा आपके पास x की पावर -1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी को एज इट इज़। ठीक है, 1/x की पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक्स ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस वन अप इसको एक्स की पावर -2 को मैं पॉजिटिव करने के लिए लिख सकती हूँ 1/x², और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 माइनस एक्स की पावर -1 को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 1/x। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के बाद यानी ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको बनाने के बाद मैं सिंपली इन्फिनिटी को पुट कर सकती हूँ, यानी कि मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं लिमिट अप्लाई करने जा रही हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है इक्वेशन में वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। तो अब ये x है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इन्फिनिटी +1/∞ का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 1 -1/∞। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास ऊपर तो मेरे पास इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी आएगा +1/∞² यानी anything डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर या इन्फिनिटी का क्यूब या वॉट एवर इन्फिनिटी की पावर इज, बट anything डिवाइड बाई इन्फिनिटी का आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0 और डिवाइड बाई 1 -1/∞ का आंसर अगेन 0। तो यहाँ पर इन्फिनिटी डिवाइड बाय 1 है और जिसका आंसर आएगा आपके पास इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 मेरा सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर हमारे पास आया है इन्फिनिटी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 61। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 61। अब इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास मेथड बिल्कुल सेम होगा कि हमें एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में उससे अपने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्स की एक पावर है 8/5, ठीक है, एक पावर है एक्स की यहाँ पर 1 और एक है अंडर रूट, जिसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास 8/5 जो है वो उसका आंसर
आंसर आएगा 1.6, ये तो 1 है और इसका आएगा 1/2, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट है, यानी कि जो मेरे पास सबसे लार्जेस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 8/5 है, जो कि 1.6 के इक्वल है। सो इसका मतलब कि मुझे अपने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को x की पावर 8/5 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। सो जब मैं ऐसा करूँगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं, अब 2x/5/3, और इसको मैं डिवाइड करवाऊंगी x/8/5 से, ठीक है। फिर माइनस x/1/3 को मैं डिवाइड करवाऊंगी x/8/5 से, फिर प्लस 7/x/8/5, यानी कि मैंने अपने न्यूमिरेटर को सबसे पहले 8/5 से डिवाइड करवाया है, अब मैं अपने डिनोमिनेटर के साथ यही सेम काम करने जा रही हूँ। तो हम लिखते हैं x/8/5, इसको हम डिवाइड करवाएंगे x/8/5 से, फिर प्लस 3x डिनोमिनेटर में आएगा x/8/5, और फिर प्लस इसको मैं x/1/2 लिख लेती हूँ, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करवाएंगे x/8/5 से। सो हमने सिंपली क्या किया है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही में x/8/5 से हम डिवाइड करवाने लगे हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी को एज इट इज़ 2। अब हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर की पावर्स हैं उनको हम ऊपर ले जा दे लेके और इनको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, क्योंकि नीचे तमाम पावर्स पॉजिटिव हैं, तो जब वो ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होकर जाएंगी, ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये हो जाएगा x/5/3 - 8/5, फिर माइनस x/1/3 - 8/5, और ये हो जाएगा प्लस 7x/-8/5, ठीक है, कि न्यूमिरेटर हो गया। अब हम डिनोमिनेटर के अंदर भी यही सेम काम करने वाले हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका आंसर आएगा 1 + 3x/, ये होगा 1 क्योंकि यहाँ पर x/1 है, -8/5, ये डिनोमिनेटर वाला 8/5 ऊपर गया तो माइनस हुआ, और फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा, x/1/2 में से हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 8/5 को, ठीक है। सो ये हमने अगला स्टेप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर के अंदर 5 - 5/3 - 8/5 करेंगे, सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह से आंसर लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने लिखा एज इट इज़, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 2 एज इट इज़, और x/ क्या आएगी, 5/3 में से जब आप 8/5 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आंसर आएगा 1/15, सही। सिमिलरली माइनस करें, x/1/3 में से जब आप 8/5 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे आपके पास आएगा -19/15, और फिर प्लस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा 7x/-8/5। अब हम डिनोमिनेटर में भी यही सेम काम करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 तो एज इट इज़ आया, प्लस 3, जब आप 1 में से 8/5 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आपके पास आता है x/ आएगी -3/5, और प्लस x/1/2 में से जब आप 8/5 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आएगा -11/10, ठीक है। सो ये सिंपली मैंने क्या किया कि इन सबको सब्ट्रैक्ट करके आपस में और आंसर्स को लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की तमाम पावर्स को पॉजिटिव करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने एज इट इज़ लिखा 2x/1/15, फिर माइनस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा 1/x/19/15, सिमिलरली 7/, इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी x/8/5, और डिवाइड में आप लिख सकते हैं 1 + 3/x/3/5, ठीक है, और फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/x/11/10, यानी सिंपली मैंने जो भी x/ नेगेटिव थी उसको मैंने क्या किया है, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो हम लिमिट पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 ∞ / 1/15 -1/∞ / 19/15, फिर प्लस 7/∞ / 8/5, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 1 +
थ्री अपॉन इन्फिनिटी की पावर 3/5 और यहाँ आएगा प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर 11/10। अब इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास कैंसिल आउट यानी कि ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यही काम कर लेते हैं, 2 × इन्फिनिटी का आंसर आपके पास आएगा इन्फिनिटी माइनस ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी प्लस ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 एज इट इज़ प्लस ये टर्म भी ज़ीरो और ये टर्म भी ज़ीरो, तो 0 + 0। तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 भी सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर हमारे पास आया है इन्फिनिटी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है। अब इसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में x की दो पावर्स गिवन है, एक तो है x की पावर 1 और एक है x की पावर 2/3। तो अगर आप 2 को डिवाइड करें 3 से अपने कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर अराउंड 0.6 आएगा। तो 0.6 क्योंकि 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 हाईएस्ट पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को x से हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो पहला स्टेप मैं करने लगी हूँ, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। क्यूब रूट ऑफ x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर 1/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, x की पावर 1/3 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं x से, माइनस 5x को हम डिवाइड करने जा रहे हैं x से, प्लस 3 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं x से। और अब मैं डिनोमिनेटर की बात कर लेती हूँ, तो हम 2x को डिवाइड करने जा रहे हैं x से, प्लस x की पावर 2/3 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं x से, माइनस 4 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं x से। सो सिंपली मैंने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को क्या किया है, x से डिवाइड करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी को आपने एज इट इज़ लिख देना है। आप क्या करें कि 1/3 और ये जो x की पावर नीचे 1 है उसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली 5 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3/x को आप फिलहाल एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आप जाइए तो 2 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि x x को कैंसिल आउट कर देगा, फिर प्लस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x की पावर 2/3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लें 1 को, क्योंकि ये x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो नेगेटिव 1 होके जाएगी, ठीक है। और फिर माइनस 4/x को आपने क्या लिख कर लेना है, एज इट इज़ लिख लेना है। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी को मैंने एज इट इज़ लिख देना है। x की पावर 1/3 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा -2/3, ठीक है। और फिर बाकी आपने एज इट इज़ लिख लेना है, प्लस 5 प्लस 3/x, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 प्लस x की पावर, जब आप 2/3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो आपके पास आएगा -1/3, और फिर -4/x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप क्या करें, x की जो भी पावर आपके पास नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास x नेगेटिव है उसको हम रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी एज इट इज़ लिखा, ये मेरे पास हो जाएगा 1/x की पावर 2/3 प्लस 5 एज इट इज़ प्लस 3/x एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 1/x की पावर 1/3 हो जाएगा ये, ताकि इसको हम पॉजिटिव कर सकें, और ये हो जाएगा -4/x। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी जो लिमिट है वो अप्लाई कर देनी है। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 1/-∞ की पावर 2/3 प्लस 5 प्लस 3/-∞, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस 1/∞ की पावर, सॉरी 1/∞ की पावर 1/3 आएगा, और -4/∞। अब जिस भी टर्म के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, भले उसके ऊपर जो भी पावर है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब कि मेरे पास की पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस 5 एज इट इज़ आएगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस ज़ीरो है, ठीक है। और सॉरी डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 प्लस ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और अगली वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सो इसका मतलब कि मेरे पास जो टर्म आ रही है रिमेनिंग वो क्या आ रही है, अच्छा एक सेकंड, एक थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि ये प्लस 5 नहीं था, ये नेगेटिव 5 था, सही। तो ये नेगेटिव 5 है हर जगह पर, ये एक मिस्टेक हो गई।
सो यहाँ पर भी ये नेगेटिव फाइव है, तो नेगेटिव फाइव डिवाइडेड बाई टू आपके पास सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का. सो आई होप कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें.